नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी न्यूज में। दशहरा के मौके पर छत्र समाज के और शिवराज सिंह चौहान के मंत्री ओपीएस भदौरिया का एक वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें वे पूरी धरती पर छत्र समाज का राज लाने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बीजेपी सरकार के मंत्री ओपीएस भदौरिया दावा कर रहे हैं कि चाहे किसी दल का नेता हो, छत्री होगा तो समर्थन करेंगे। मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया पर छत्रियों का राज्य कायम करना है तो एकता लानी होगी। कार्यक्रम में उन्होंने यह भी कहा था कि कुछ चतुर जातियों ने छत्रियों का दुरुपयोग किया है। उनके चतुर जातियों शब्द को सोशल मीडिया पर ब्राह्मण जाति से माना गया है। जब सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर हंगामा मचा तो शुक्रवार को मंत्री ओपीएस सामने आए और सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा से ब्राह्मणों का सम्मान किया है। ब्राह्मण समाज ज्ञानी है और सभी का मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। और उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मेरे कहने का मतलब मुगल और अंग्रेजों से था। जब यह वीडियो वायरल हुआ था तब ग्वालियर में दशहरा के दौरान मंत्री वहां पर शामिल हुए थे और उसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वीडियो में यह बात कही थी, जिसके बाद उनका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहें डीवी न्यूज़ में।